फ्रेंड्स, आज हम भारतीय राजनीति चिंतन में एक महत्वपूर्ण लेखक चिंतक शुक्र पर कुछ मूलभूत बातें करने जा रहे हैं। शुक्र पर उनके व्यक्तिगत जीवन पर सामान्यतः कोई प्रश्न कम ही पूछा जाता है। बस आपको महत्वपूर्ण बात यह याद रखनी है कि शुक्र ने अपनी महत्वपूर्ण कृति शुक्र नीति सार में अपने राजनीतिक और प्रशासनिक विचारों का उल्लेख किया है। अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि शुक्र नीति कौटिल्य के अर्थशास्त्र की भांति मूलतः राजनीतिक प्रतीका या राजनीतिक प्रकृति का ग्रंथ तो है, साथ ही साथ शुक्र नीति में जीवन के अन्य बहुउपयोगी पहलुओं को भी बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से रेखांकित किया गया है। शुक्र नीति में राजनीतिक चिंतन के समस्त महत्वपूर्ण पक्षों जैसे कि दार्शनिक, अवधारणात्मक, संरचनात्मक व प्रक्रियात्मक को पर्याप्त महत्व के साथ चित्रित और रेखांकित किया गया है। ग्रंथ में राज्य के प्रयोजन, राज्य सत्ता पर नियंत्रण आदि सैद्धांतिक पक्षों के साथ साथ दंड व न्यायिक प्रक्रिया, राज्य का प्रशासन, राज्य की सुरक्षा, युद्ध, अंतर्राज्य संबंध आदि ऐसे विषयों का जो राज्य के व्यवहारिक पक्षों से संबंधित है विशद विवेचन किया गया है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में शुक्र के विचार। शुक्र नीति में राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐसे कोई स्पष्ट सिद्धांत या स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है, लेकिन एकाध पंक्तियां शुक्र नीति में इस राज्य की उत्पत्ति के संबंध में शुक्र के विचारों को उल्लेखित करती हैं। जैसे कि एक पंक्ति में लिखा है कि प्रजाओं से अपना वार्षिक कर वेतन के रूप में स्वीकार करने से स्वामी के रूप में स्थित राजा को ब्रह्मा ने प्रजाओं के पालनार्थ सेवक अपनाया है या सेवक बनाया है। यह श्लोक राज्य की उत्पत्ति के व्यवस्थित सिद्धांत को तो नहीं, लेकिन शासन की स्थिति को व्यक्त स्पष्ट रूप से करता है। ग्रंथ में राज्य की उत्पत्ति के प्रश्न को प्राय उपेक्षा की गई है, किंतु इसका अर्थ यह है कि राज्य को एक अनिवार्य संस्था माना गया है, साथ ही राज्य एक स्वाभाविक संस्था भी है। ग्रंथ में कहा गया है कि संसार के अभ्युदय का आधार राज्य है। राज्य की तुलना इस प्रसंग में चंद्रमा से करते हुए व्यक्त किया गया है। जिस प्रकार चंद्रमा समुद्र की वृद्धि का कारण है, उसी प्रकार राज्य के लोगों के अभ्युदय का मूल आधार भी है। राज्य के अस्तित्व का आधार। शुक्र नीति में प्रजा की उन्नति और सुरक्षा को राज्य के अस्तित्व का आधार माना गया है। शुक्र ने यह आग्रह स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है कि संसार में राज्य के संरक्षण और नेतृत्व के अभाव में प्रजा के नष्ट हो जाने की आशंका हो जाती है। शुक्र ने राज्य को प्रजा की भौतिक सुरक्षा के लिए ही नहीं, अपितु प्रजा के नैतिक उत्थान और कल्याण के लिए भी उत्तरदायी माना है। शुक्र नीति सार में व्यक्त किया गया है कि राजा का प्राथमिक उद्देश्य प्रजा का हित रक्षण है, क्योंकि बिना प्रजा के राज्य सुशोभित नहीं होता है। इस प्रकार शुक्र नीति में प्रजा के कल्याण के प्रति समर्पण को ही शासकीय शक्ति, वैधता और अशून्यता का आधार माना है। ग्रंथ में स्पष्ट किया गया है कि शासक के द्वारा शासकीय शक्ति का प्रयोग स्वतः उचित या वैध नहीं माना जाता, वरन प्रजा के कल्याण के दायित्व के प्रति निरंतर सजग व चेष्टावान बना रहकर ही अपनी शक्ति की वैधता, प्रभावशीलता को सुनिश्चित कर सकता है। ग्रंथ में कहा गया है कि जिस सीमा तक शासक जन कल्याण के प्रति समर्पित है, उसी सीमा तक उसके शासन की वैधता को सहमति प्राप्त होती है। यदि शासक जनता के हितों के संरक्षण के दायित्व के प्रति असचेत है, उपेक्षा करता है, तो जनता के द्वारा ऐसे शासक के आदेशों की अवहेलना किया जाना स्वाभाविक और उचित है। शुक्र ने स्पष्ट किया है कि शासक अपनी सत्ता की वैधता के प्रति सजग ही सहज ही आश्वस्त नहीं रह सकता है। उसे अपनी शक्ति की वैधता को, निरंतरता को, प्रजा के हितों, शासन के मूल प्रयोजन के प्रति अनवरत समर्पित व सक्रिय रहकर ही सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अब मैं आपको शुक्र के द्वारा उल्लेखित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत सप्तांग सिद्धांत पर विचार आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको पहले भी पता होगा कि आपकी पुरानी लेक्चर्स में मैंने आपने बताया है कि मनु और कौटिल्य ने भी राज्य पर सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया है, उसी प्रकार शुक्र ने भी उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया है।
सप्तांग सिद्धांत उसी तरह से जैसे कि मनु और कौटिल्य बताते हैं, ये बताता है कि राज्य एक मानवीय शरीर की भांति सात अंगों से मिलकर बना हुआ है, न कि कोई जड़ संस्था है अपितु एक जीवन संस्था है। उस जीवन संस्था के सात अंग निम्नानुसार हैं, जिसका क्रम मैं यथावत उल्लेखनीय कर रहा हूँ। ग्रंथ में राज्य के निम्नलिखित सात अंगों का उल्लेख किया गया है। नंबर वन है राजा, नंबर टू मंत्री, नंबर थ्री मित्र, नंबर चार कोष, नंबर पांच राष्ट्र, नंबर छह दुर्ग, नंबर सात सेना। सात अंगों में राजा को सिर, मंत्री को नेत्र, मित्र को कर्ण, कोष को मुख, बल को मन, दुर्ग को दोनों हाथ और राष्ट्र को दोनों पैर माना है। एक अन्य प्रसंग में राजा की तुलना वृक्ष करते हुए राजा को इस वृक्ष का मूल, मंत्रियों को स्कंद, सेनापति को शाखाएं, सेनाओं को पल्लव, प्रजाओं को धूल, भूमि से प्राप्त होने वाले कारकों को फल और राज्य की भूमि को बीज माना गया है। राष्ट्र और राज्य, शुक्र निधि में राष्ट्र और राज्य के मध्य अंतर स्पष्ट किया है। शुक्र ने राष्ट्र की परिभाषा करते हुए दो प्रकार के तत्वों को राष्ट्र की धारणा में सम्मिलित किया है। पहला स्थिर तत्व जैसे कि भूमि, पर्वत, प्राकृतिक संपदा। दूसरा जीवंत तत्व जैसे कि मनुष्य आदि।